अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग कैंसर। हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़े थे और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में ये हमारा फिफ्थ है। मेजर हमने पढ़ लिए थे, लेकिन लंग कैंसर भी हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या था, लंग्स तक था आखिरी स्ट्रक्चर। हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का क्या था? लंग था। तो लंग का जो कैंसर है वो भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। मेजर तो नहीं, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, तो इसके बाद हमने जो पढ़ना है, जो हमारे 10th क्लास की बायो का लास्ट मतलब टॉपिक होगा, वो होगा बैड स्मोकिंग। ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग होगा कि स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान आते हैं। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है वो है लंग कैंसर। इससे पहले हमने जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ा था वो हमारे पास क्या था? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई का डिस्ट्रॉय होना या ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाना, उनको हम क्या, उस वो जो डिजीज़ हो रही थी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में, वो जो हमारे पास डिजीज़ थी उसको हम क्या कहते थे? ब्रोंकिस्ट। क्या कहते थे? ब्रोंकिस्ट। क्या क्या था हमारे पास ब्रोंकिस्ट में? क्या होता था हमारे पास? इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के लास्ट पे ITS आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसके वर्ड के लास्ट पे ITIS आ जाता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो हमने ब्रोंकिस्ट में पढ़ा था हमारे पास क्या हो जाती है? ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद हमने एम्फिसीमिया पढ़ा था। ठीक है, एम्फिसीमिया में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो एल्वोलाई की वाल्स है ना, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, एम्फिसीमिया में हमने जो सेकंड हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो वाल्स है ना एल्वोलाई की, उनकी क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो तबाह हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा था थर्ड पे, वो हमने पढ़ा था निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो लंग थे उनको क्या हो जाते, इन्फेक्ट हो जाती थी, लंग्स हमारे पास इन्फेक्ट हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? निमोनिया हमारे पास लंग का इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारे लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और वो इन्फेक्शन किस वजह से? मैंने आपको बताया था तीन पॉजिटिव एजेंट्स थे। ठीक है, एक हमारे पास था बैक्टीरिया, एक हमारे पास फंजाई और एक हमारे पास वायरस थे। एक इन्फ्लुएंजा वायरस था वायरस में, और एक हमारे पास जो बैक्टीरिया था वो क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस। हमारे पास निमोनिया था, जो हम बैक्टीरिया था जो हमारे पास निमोनिया काज कर रहा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने अस्थमा का देखा था। अस्थमा हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एलर्जी थी, लंग के अंदर एलर्जी थी, एलर्जी हो जाना, ठीक है, वो हमारे पास क्या था? अस्थमा में आता था। तो ये हमने पढ़े। अच्छा, जो आज हमारा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का टॉपिक है वो है हमारे पास लंग कैंसर। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं कि लंग कैंसर के हमने पहले हम देखेंगे कि कैंसर क्या है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो कैंसर है वो लंग तक कैसे आता है, फिर हम देखेंगे कि इसके काजेस क्या हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके सिम्टम क्या हैं, फिर हम इसका ट्रीटमेंट तो नहीं कर, हम इसकी मतलब देख सकते हैं किसी प्रिवेंटेशन क्या है, हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखें, ये एक लंग कैंसर की डायग्राम, मतलब एक हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल लंग है, जो बिल्कुल मतलब इसको कोई कैंसर नहीं है, कोई इसको कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, कोई इसको डिसऑर्डर नहीं लगा हुआ। लेकिन हमारे पास जो राइट साइड पे है, ठीक है, उस पर हमारे पास क्या है? लेफ्ट साइड, राइट साइड ही है। अच्छा, जो राइट, इस पर हमारे पास क्या है कि जो लंग कैंसर है इस पर क्या है हमारे पास? मोबाइल का, तो ये इधर से देखें तो मोबाइल का तो लेफ्ट राइट है और राइट लेफ्ट है। जो ये ब्लैकिश कलर में ना, इसमें हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वो पेशेंट है जिसके लंग इफेक्टेड हुए हैं, और किस वजह से इफेक्टेड हैं? कैंसर की वजह से इफेक्टेड हैं। ठीक है, इस साइड पर हमारे पास हेल्दी पर्सन के लंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, लंग कैंसर क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कैंसर क्या है। ठीक है, कैंसर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं ना उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैंसर हमारे पास क्या है? जो हमारे सेल है ना उनकी अनकंट्रोल्ड, मतलब उनकी जो डिवीजन का प्रोसेस है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो खुद ब खुद क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो दिन में बहुत ज़्यादा टाइम डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, जो सेल डिवाइड होते हैं ना वो 24 घंटों के दौरान होता है। ठीक है, मतलब एक दिन में, 24 घंटों के मतलब एक दिन में हमारे पास जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो होता है। अच्छा, लेकिन उसके बरक्स हम दूसरी जगह देंगे, हमारे पास जो कैंसर सेल है ना उसमें हमारे पास जो डिवीजन होती है वो इस तरह नहीं होती है, वो अनकंट्रोल होती है, मतलब वो दिन में काफ़ी दफा हो जाती है। अनकंट्रोल है ना तो बहुत ज़्यादा सेल की डिवीजन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, समझ आ गई आपको? लंग कैंसर इज़ द डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। सबसे पहले तो हमने कैंसर का देखना है ना। ठीक है, कि कैंसर क्या है? कैंसर का आपको पता चला हमारे पास क्या है? अच्छा, फिर कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है?
हमारे पास एक्चुअली कैंसर क्या है, सेल, एक सेल है उसके अंदर कैंसर कैसे होगा, जब कोई सेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, म्यूटेशन होगी, ठीक है। एक सेल है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। जब उसकी म्यूटेशन क्या होता है कि चेंज आना, किसी चीज़ में चेंज आना, ठीक है, वो क्या होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन सेल। तो जब एक सेल में चेंज आएगा तो क्या होगा, वो हमारे पास कैंसर का काज बनेगा, ठीक है। और सेल अपनी मर्जी से डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास, मैंने क्या बताया आपको, सेल अपनी मर्जी से डिवाइड होते हैं, तो जो सेल है वो क्या करते हैं, हमारे पास वो जो कैंसर सेल है वो इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, ट्यूमर्स बना देते हैं, ठीक है। समझ आइए आपको, हमारे पास कैंसर है मतलब एक सेल है वो हमारे पास डिवाइड होता रहता है, अपनी मर्जी से डिवाइड होता रहता है, मतलब अनकंट्रोल सेल की डिवीजन होती रहती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि वो जो कैंसर सेल है वो अनकंट्रोल, इनकी डिवीजन के बाद जब इनके अंदर म्यूटेशन आती है, वो कैंसर सेल बना देते हैं, वो कैंसर सेल इकट्ठे होकर क्या बनाते थे, एक ट्यूमर्स की शक्ल में, ठीक है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बिहाइंड द लंग्स। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर देखिए हमारा एक सेल डैमेज हो गया तो जो साथ वाला सेल है इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू, ठीक, इन्वेड मतलब वो क्या, जो साथ वाले उसी सेल के साथ जो उसके साथ दूसरे सेल है ना उनको भी डैमेज कर देता है, ठीक है। मतलब आप देखें, अगर एक फ्रेंड अच्छा है तो जो साथ उसके दूसरे फ्रेंड है वो भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर एक फ्रेंड बुरा है तो उसकी कंपनी, उसके और जो दोस्त होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो देखें, अगर यहाँ पे हम इस सेल की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर एक सेल को कैंसर हो चुका है तो वो क्या करेगा, अपने साथ वाले, उनके जो साथ सेल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उनको भी डैमेज कर देगा, और जो साथ वाले टिश्यू हैं उनको भी डैमेज कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये किस तरह हमारे पास एक, मतलब जो कैंसर सेल है वो दूसरे सेल में किस तरह जाएगा, मतलब एक सेल से जो कैंसर है वो दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो ऑफकोर्स ब्लड के थ्रू होगा, ठीक है। किस तरह होगा, ब्लड के थ्रू होगा। तो उसको जब हमारे पास प्राइमरी कैंसर, हमारे पास वो है कि एक सेल जिसको कैंसर लग चुका है वो हमारे पास प्राइमरी, अब उस सेल से अब किसी और सेल को जो कैंसर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कैंसर, ठीक है। अगर उस सेल से किसी, मतलब इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बिहाइंड द लंग्स, अगर इस तरह किसी सेल को लगता है कैंसर, मतलब एक सेल की वजह से तो उस दूसरे सेल में जाता है जब कैंसर, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैंसर, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आ गई आपको बात, तो लंग कैंसर हमारे पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, ठीक है। क्या होती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। अब लंग कैंसर में क्या है, हमारे पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग, हमारे पास लंग के अंदर जो टिश्यू है ना उनकी जो हमारे पास क्या होता है कि अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास लंग कैंसर है, ठीक है। तो लंग कैंसर हमारे पास क्या होता है, ये इसी तरह वो जो हमारे पास सेल है, एक सेल को हमारे पास, अब यहाँ पे हम लंग कैंसर की स्पेसिफिक बात करें तो हम कहेंगे कि जो लंग की सेल है उनको कैंसर लग गया, उसके बाद क्या होगा, वो लंग के कैंसर, कैंसरस सेल्स हैं वो मिलके ट्यूमर बनाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, हमारे पास और जो लंग के इर्द गिर्द के टिश्यू उनको भी डैमेज करेंगे। समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके हमारे पास सिम्टम क्या है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग। अच्छा, मैंने आपको कफ का बताया था कि कफ हमारे पास जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं, ब्रोंकिस्ट हमने पढ़ा, उसमें भी हमारे पास मेजर सिम्टम कफ उसमें भी था। फिर हमने एम्फिसीमिया पढ़ा, हमने देखा एम्फिसीमिया में भी कफ का सिम्टम था। फिर हमने निमोनिया पढ़ा, हमने देखा कि निमोनिया में भी जो कफिंग का सिम्टम है वो भी है। फिर अस्थमा के जो पेशेंट है उनमें भी हमारे पास जो कफिंग का पेशेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो कफ है ना, ये सब में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफिंग ये मेजर उनमें था, इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड। कफिंग अप ब्लड मतलब कि जब एक बंदा है उसको कैंसर हो चुका है, जब वो खांसी करता है ना उसके क्या होता है, उसको उसके खांसी के साथ ब्लड आता है, मतलब खांसी करता है तो उसके साथ खून आता है। एंड वेट लॉस, और अक्सर देखा होगा आपने कि जो बंदा ना, जिस बंदे को कैंसर हो जाए तो उसका आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी एग्जांपल देखी हैं कि एक बिल्कुल हेल्दी सा पर्सन होता है, लेकिन जैसे उसे कैंसर, मतलब उसे कैंसर का अटैक हो जाता है, उसको कैंसर की मतलब बीमारी लग जाती है, ठीक, उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि उसका वेट लॉस होना बिल्कुल, मतलब इवन के ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं कि जिनका वेट हमारे पास 80-90 था, ठीक है, 80-90 केजी था उनका वेट, लेकिन जब उनको कैंसर हुआ, आफ्टर कैंसर उनका वेट कितना हो गया, 40-35 तक भी उनका वेट पहुंचा है। मतलब इतना ज़्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं कैंसर के एक, मतलब पेशेंट के ऊपर। अच्छा, लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स। हमारे के पास क्या होता है कि जो लंग का कैंसर है ना, वो इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, तो क्या हो जाता है कि डेथ्स हो जाती हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक, मतलब एक रिकॉर्ड किया गया था उसके मुताबिक, हमारे पास एक ईयर में, एक साल में हमारे पास 1.3 मिलियन, कितनी 1.3 मिलियन, कितनी ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो कैंसर की वजह से होती हैं, ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक। समझ आ गया आपको, इसके सिम्टम मेजर कफिंग थे,
ठीक है, वेट लॉस था और हमारे पास क्या था, जो बंदा जो पेशेंट है जिसको कैंसर हो चुका है उसके जो ब्लड उसमें जो कफ है उसमें मतलब उसके साथ खून भी आता था, मतलब ब्लड भी आता था। उसके बाद जो सांस है वो उसको जो ब्रीदिंग का सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो। उसके बाद लंग कैंसर में हमारे पास मैंने बताया कि जो डेथ्स होती हैं वो 1.3 मिलियन एक साल में हमारे पास इतनी ज़्यादा कैंसर की वजह से डेथ्स हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे द मेन कॉज ऑफ कैंसर। अच्छा, सबसे पहले अब हमने देखने के हमारे पास इसके काजेज़ क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से एज एजेंट्स हैं, कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो कैंसर को काज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, कार्सिनोजन, ठीक है। कार्सिनोजन हमारे पास क्या क्या है, जो हमारे पास कैंसर काजिंग एजेंट है ना उनको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजन। वो वाले एजेंट्स, वो वाले केमिकल्स, वो वाली चीज़ें जो हमारे पास कैंसर को काज करती हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अस्थमा में पढ़ा था ना कि एलर्जेंस होते हैं, हमने एलर्जेंस का क्या पढ़ा था, वो वाले केमिकल्स जो हमारे पास एलर्जी काज करते हैं उनको हम कहते हैं एलर्जी काजिंग एजेंट्स, ठीक है। एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग एजेंट्स, कार्सिनोजेंस, कैंसर काजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इन कार्सिनोजेंस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, सच इज दोज इन सिगरेट स्मोक, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन कोई ऐसा वायरस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास ओजोन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास ना सन रेज, स्ट्रेटोस्फीयर में ना सन, तो जब सन रेज डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं और वो वाली रेडिएशन जो बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर जल्दी मतलब हिट करती हैं, वो यूवी रेडिएशन और इस तरह की आयनाइजिंग रेडिएशन है, और वो क्या करती हैं सेल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास वो सेल को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शन में वो इन्फेक्शन किसी भी तरह हमारी बॉडी में एंटर होता है, एक सेल को डैमेज करता है, एक सेल को कैंसर काज करता है, तो वो हमारे बाकी जो रिमेनिंग सेल हैं उनके अंदर भी क्या करता है, इन्फेक्शन काज कर देता है। अच्छा, स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। सबसे हमारे पास जो मेजर काज है ना वो क्या है, हमारे पास स्मोकिंग है। अच्छा, पेपर में आ सकता है कि हमारे पास बताएं कि सबसे मेजर काज लंग कैंसर का क्या है, तो क्या है, बाकी इसके बाकी भी हैं लेकिन वो इतने नहीं है, जो इसका मेन काज है ना जिसकी वजह से जो हमारे पास मेजोरिटी हमारे पास 1.3 मिलियन डेथ्स होती है ना ईयर में, वो हमारे पास मेजर हमारे पास इसीलिए होती हैं कि वो क्या करते हैं, वो जो पेशेंट होता है वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो जो वो स्मोकिंग करते हैं उनकी जो लंग्स है ना वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और क्या होता है उनको लंग कैंसर हो जाता है। उनके जो लंग के सेल्स हैं ना वो क्या हो जाते हैं, एक लंग का सेल्स ख़राब होता है तो वो बाकी सारे सेल्स को ख़राब कर देता है, लंग्स इतने डैमेज हो जाते हैं। तो हमने इसका पीछे इसके सिम्टम भी पढ़े थे कि जो कफ़ करता है ना बंदा, कफिंग का सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो जिस बंदे को कैंसर हो चुका है ना लंग कैंसर, उसके लंग्स इतने वीक हो चुके होते हैं कि उनके अंदर जो ब्लड होता है ना, लंग्स जब वीक हो जाते हैं तो उनके अंदर ब्लड होता है, तो वो फिर इतनी आपस इतनी कमज़ोर हो जाती है, जो खांसी करता है तो उसको क्या आती है, मतलब तो फेफड़े हैं ना, फेफड़ों में खून होता है ना, आपको पता है ना इस चीज़ का, तो ब्लड होता है, तो फिर जब खांसी करता है तो क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। अच्छा, स्मोकिंग मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने वायरल इन्फेक्शन है, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स हमारे, अब हमने बात की थी कि हमारे पास केमिकल्स भी हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन भी है, वायरल इन्फेक्शन भी है। अब आगे देखते हैं हमारे पास द रिस्क, दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंट लोअर इन नॉन स्मोकर। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि हमारे पास हमने केमिकल्स की बात की है ना, तो वो जो मेजर हमारे पास केमिकल है ना वो हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है। क्या है हमारे पास, स्मोकिंग, और स्मोकिंग कैसे, कैसे वाली स्मोकिंग, सिगरेट, ठीक है। जो सिगरेट हम पीते हैं ना, हम तो खैर नहीं पीते, लेकिन जो हमारे पास मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे हम रास्ते में जा रहे हैं या कोई ऐसा हम काम, मतलब जैसे भी बैर हॉस्पिटल में जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं, कितने बंदे हैं जो सिगरेट लेते हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं सिगरेट का, ठीक है। और हमारे पास आपको पता है ना कि सिगरेट में सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, सिगरेट में सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेंस हैं, और कार्सिनोजेंस मैंने आपको बताया, कार्सिनोजेंस वो हमारे पास एजेंट्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टोटल हम अगर देखें ना तो हमारे पास आई थिंक सो 50% जो हमारे पास कैंसर है ना वो सिगरेट की वजह से होता है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे देखें द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। जो लंग, जो एक बंदा सिगरेट लेता है उसके अंदर क्या होता है, जो लंग कैंसर के चांसेस है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो नहीं करता। ऑफ़ कोर्स जो करता है उसके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, उसको लंग कैंसर हो जाएगा, और जो नहीं करता वो तो हेल्दी है,
अच्छा, सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। मैंने आपको ये बात बताई है कि हमारे पास सिगरेट के अंदर 50% मतलब 50 नॉन कार्सिनोजेंस हैं। मतलब एक अब तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक रिसर्च के मुताबिक एक उन्होंने किया था कि देखा था कि हमारे पास सिगरेट है तो सिगरेट के अंदर हमारे पास कितने कार्सिनोजेंस हैं, मतलब कितने ऐसे एजेंट हैं सिगरेट के अंदर जो कैंसर काज करते हैं। ठीक है, तो कितने इन्होंने देखे थे कि हमारे पास 50 पर उस वक्त, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना उनकी रिसर्च को, तो उस वक्त 50 ऐसे थे जो कैंसर काज कर रहे थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है पैसिव स्मोकिंग आती है, और एक हमारे पास आती है एक्टिव स्मोकिंग। ठीक है, अच्छा क्या होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर स्मोकिंग किस तरह एंटर होती है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए ना कि हमारे पास किस तरह, हमारे पास जो स्मोक है, सिगरेट है या लंग कैंसर, हमारे किस तरह बॉडी में एंटर होता है, तो हमारे पास इसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक एक्टिव स्मोकिंग आती है, एक पैसिव स्मोकिंग आती है। ठीक है, एक कौन सी, एक्टिव स्मोकिंग और एक पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग हमारे पास, अच्छा पहले एक्टिव का बताती हूँ। एक्टिव का हमारे पास ये है कि जब हम डायरेक्टली एक जो सिगरेट है, एक बंदा सिगरेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली सिगरेट को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। वो जो स्मोक है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। ठीक है, वो बंदा जो बिल्कुल खुद सिगरेट ले रहा है, डायरेक्टली उसका यूज़ कर रहा है, इनहेल कर रहा है सिगरेट को, वो हमारे पास एक्टिव में आता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा हमारे पास आता है पैसिव। पैसिव में क्या होता है कि एक बंदा सिगरेट पी रहा है, दूसरा उसके साथ बैठा हुआ है, और जो दूसरा साथ बैठा हुआ है ना, वो उस सिगरेट के धुएं को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। वो जो इनहेल करेगा, ये हमारे पास पैसिव में आता है, मतलब वो खुद तो नहीं यूज़ कर रहा ना, दूसरे बंदे की वजह से वो यूज़ कर रहा है, मतलब यूज़ तब भी कोई नहीं कर रहा, लेकिन उसको नहीं फील हो रहा, लेकिन वो जो धुआं है ना वो उसके एयर में चला जाएगा। पैसिव है ना, तो वो सांस लेगा तो उसके अंदर। अब दूसरा जो एक्टिव है, वो अपनी एनर्जी लगा के यूज़ कर रहा है। अपने एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस पड़े हुए हैं ना, एक्टिव प्रोसेस में हम एनर्जी लगाते हैं, लेकिन जो पैसिव प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास एनर्जी नहीं लगती। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये जो एक्टिव है ना, इसमें वो अपनी एनर्जी लगाता है, और जो सिगरेट की स्मोक है उसका जो धुआं है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो ये डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहा है ना, उसके मुंह के साथ सिगरेट लगा है। एज़ कम्पेयर टू जो पैसिव है ना, उसके अंदर क्या है कि जो बंदा है वो डायरेक्ट स्मोकिंग नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, जो दूसरा बंदा सिगरेट कर रहा है ना, उस वो जो धुआं छोड़ रहा है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर वो दूसरा बंदा पैसिव वाला ले रहा है, तो उसको क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पैसिव है। अच्छा, जो पैसिव स्मोकिंग है ये हमारे पास ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग के। ठीक है, द इनहेलेशन स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज काज ऑफ लंग कैंसर। तो इसकी वजह से क्या होता है, पैसिव स्मोकिंग में मतलब जो डायरेक्ट नहीं ले रहा ना, उसको भी लंग का कैंसर हो सकता है। अच्छा, आगे हमारे पास स्मोकर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग इन्फेक्शन पर्टिकुलर इन द लंग्स। अच्छा, स्मोकर्स हमारे पास वो बंदे जो, एक बंदा होता है वो स्मोकिंग करता है, एक होता है स्मोकर्स हमारे पास जो बंदा किसी दूसरे, मतलब पैसिव जो स्मोकिंग कर रहा है उसको हम स्मोकर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीज द लंग रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अच्छा, बाय 2 to 4 times। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में ना इसको TB भी कहते हैं। ठीक है, इसकी एब्रिवेशन ट्यूबरक्लोसिस, हम इसको TB भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके लंग्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो वो इन्फेक्टेड बंदा, ठीक है, जिसको TB की बीमारी लग चुकी है, वो क्या, मतलब जिसको, जो स्मोकिंग करता है उसको लंग कैंसर हो चुका है, तो वो जब सिगरेट लेता, एक बंदा सिगरेट लेता है ना, तो वो क्या करता है कि खांसी वगैरह करता है, या एक हेल्दी बंदे के पास बैठता है, तो वो जो साथ वाला बंदा होता है उसको इनहेल करता है ना, तो उसकी वजह से उसको TB की बीमारी लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीज, जो बंदा स्मोकिंग करता है ना, उसमें ट्यूबरक्लोसिस का जो चांस है वो 4 में से 2% है। ठीक है, 4 में से 2% है, मतलब 100 में से 60% है कि उसको कैंसर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद मतलब उसको ट्यूबर, जो स्मोकिंग करता है उसके चांसेस हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस, मतलब TB हो जाए, और हमारे पास जो बंदा स्मोकिंग करता है 100% चांसेस है, 100% चांसेस है कि इस बंदे को निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, पता चला आपको, हमारे पास ग्रेटर रिस्क है इसका इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अच्छा, स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। अच्छा, जो बंदा एक कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता रहता है, तो क्या होता है, एक स्टेज आती है कि उसके जो दांत है ना, वो क्या होते हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और स्ट्रेनिंग द टीथ वीक होते हैं, और उसके बाद दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारा एनामल होता है, ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये हमारे
जॉ का स्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अक्सर आपने बंदों को देखा होगा, किसी बंदे को मुंह का कैंसर है, किसी को लंग का कैंसर है, किसी को हार्ट का, किसी को ब्रेन का कैंसर है, किसी को चेस्ट का कैंसर है, किसी को स्टमक में, मतलब इतने ज़्यादा कैंसर है ना कि मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे पास मेजर इन्होंने टीथ का भी बताया, क्योंकि मुंह से जो इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर। अच्छा, हमारे पास जो दांत गिरने का प्रोसेस होता है वो कहता है, एक बंदा जो स्मोकिंग करता है उसके दांत हमारे पास जल्दी गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक बंदा हेल्दी बंदा, ठीक है, वो जब हमारे पास ओल्ड एज में जाता है, मतलब उनकी, मतलब वो बंदा, उस बंदे की उम्र 60 above या 70 above हो गई है, और एक बंदा जो हमारे पास है जो स्मोकिंग करता है उसकी हमारे पास एज 40 है, ठीक है, एक बंदा है जो स्मोकिंग करता है उसकी एज 40 है, उसके दांत जल्दी गिर जाएंगे, उसकी जान दांत जो है ना वो 40 की एज में गिर जाएंगे। लेकिन जो दूसरा बंदा है ना हमारे पास जो नहीं स्मोकिंग करता, वो 70 की एज में भी चांसेस हैं कि उसके दांत नहीं गिरेंगे। तो जो स्मोकिंग करता है उसके ज़्यादा रिस्क होते हैं कि उसके जो दांत हैं वो जल्दी गिर जाएँ एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकिंग। अच्छा, द स्मोक फ्राम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्राम द फिल्टर एंड। ये मैंने आपको पीछे पैसिव और एक्टिव स्मोक का बताया था ना, ठीक है, एक्टिव का मैंने बताया था कि जो डायरेक्टली स्मोक करता है, और मैंने बताया था कि ये हमारे पास जो डायरेक्टली स्मोक करता है ना फिल्टर एंड ऑफ द सिगरेट से, कहाँ से करता है, फिल्टर एंड ऑफ द सिगरेट से जो एक्टिव स्मोकर होता है वो स्मोकिंग करता है तो वो इतना डेंजरस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू पैसिव स्मोकिंग के, जो हमारे पास इनहेल करता है, एक बंदा सिगरेट ले रहा है उसके पास बैठ के जो दूसरा बंदा वो सिगरेट का धुआं अपने अंदर इनहेल कर रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है। द स्मोक फ्राम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्राम द फिल्टर एंड। ठीक है, समझ आ गई, बर्निंग एंड मतलब आपने देखा होगा एक सिगरेट का ऐसा होता है, या मैंने आप डायग्राम भी है एक हमारे, ये देखें, ये इसका है हमारे पास एक फिल्ट्रेशन जोन मतलब फिल्टर एंड, यहाँ ये वाला जो फिल्टर एंड है ये बंदे के मुंह के अंदर होता है, और आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास तंबाकू रोड मतलब वहाँ पे तंबाकू होता है, ठीक है, तो यहाँ से वो सिगरेट जलाते हैं तो ये बर्निंग एंड है, जहाँ पे लिखा है तंबाकू रोड और वो एरो गया हुआ है यहाँ पे होता है हमारे पास बर्निंग एंड होता है, मतलब यहाँ से सिगरेट जलता है, और इस साइड पे जो सिगरेट वो जो ले रहे हैं ना ये हमारे पास क्या है, जो बंदा इन मतलब सिगरेट पी रहा है ये फिल्ट्रेशन जोन उसके मुंह के अंदर होता है। तो इस तरह ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस कर रहा है, फिल्टर जोन मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो धुआँ है ना वो फिल्टर होके आता है, ठीक है, फिल्टर मतलब इसके अंदर ना एक हमारे पास एक जाली नुमा कुछ चीज़ लगी होती है तो यहाँ से धुआं फिल्टर हो जाता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो धुआं जा रहा है वो इतना डेंजरस नहीं है। जो देखें ना तंबाकू रोड वाला एंड है इसका, सिगरेट का बर्निंग एंड है जो इसका, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो तो डायरेक्ट जो अगला बंदा बैठा है जो स्मोकिंग नहीं कर रहा वो तो डायरेक्ट उसके सीधा जाके मतलब लंग्स को डैमेज करेगा, उसके सारा सिस्टम ही डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो डायरेक्ट होती है, कोई फिल्टर नहीं हुआ हुआ होता, लेकिन जो एक्टिव है ना उसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन हुआ हुआ होता है, मतलब फ़िल्टर हो के ना फिर उसके अंदर मतलब लंग्स के अंदर मुंह से गुजरता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के से गुजरता हुआ लंग्स तक पहुंचता है, तो ये हमारे पास इतना डेंजरस नहीं होता। जो दूसरा हमारे पास होता है ना बर्निंग एंड और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास दूसरे बंदे के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। द स्मोक फ्राम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्राम द फिल्टर एंड। समझ आ गई आपको बात कि बर्निंग एंड की जो बर्निंग एंड होता है ना सिगरेट का वो ज़्यादा डेंजरस होता है फिल्टर एंड से, क्योंकि फिल्टर एंड तो फिल्टर हो के पेशेंट के अंदर मतलब जो स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर जा रहा है ना, लेकिन जो दूसरा है वो ऐसे ही। एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग इज़ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। अच्छा, हम कहते हैं कि हम इसको, इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, ठीक है, इसका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमने क्या बोला, तंबाकू एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग इज़ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। हम अगर तंबाकू को ख़त्म कर देना, ठीक है, तंबाकू को हम ख़त्म कर दें मतलब तंबाकू का यूज़ ख़त्म कर दें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारा गोल है कि हमने लंग कैंसर को ख़त्म करना है। अगर हमने लंग कैंसर को ख़त्म करना है तो ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हमने तंबाकू को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्या हमने करना, तंबाकू का यूज़ नहीं करना। आपको पता है ना तंबाकू के अंदर क्या होता है, तंबाकू के अंदर निकोटिन होता है, ठीक है। अच्छा, पुराने वक्तों में क्या होता था कि जो निकोटीन है तंबाकू के अंदर जो निकोटीन होता है वो क्या था, पुराने वक्तों में ना इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए यूज़ होता था, मतलब इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ना यूज़ होता था, मतलब खेतों में
और घर में भी अगर आपने कोई सब्ज़ी वगैरह कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लगाई हुई हैं खाने की, तो वहाँ पे क्या था वीट के ऊपर, तो इस तरह क्या होता था कि हम निकोटिन के तंबाकू के अंदर जो निकोटिन है ना उसको हम यूज़ करते थे इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए। तो अब देखें अगर वो इंसेक्ट्स को किल कर सकते तो वो ह्यूमन के लिए भी तो डेंजरस है ना किसी ना किसी तरह से। तो जो निकोटिन है वो हमारे पास किस किस चीज़ को डैमेज करता है, हमारे ऑर्गन्स को, ब्रेन को, सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, लंग्स को, लिवर को, इतने ज़्यादा हमारे पास ऑर्गन है। माउथ, अक्सर किसी बंदे को माउथ का कैंसर हो जाता है, हमारे फेरिनिक्स को, ट्रेकिया को, मतलब हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देता है ना। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमारे पास जो लंग कैंसर है वो सिर्फ लंग को ही डैमेज करे। और निकोटिन तंबाकू के अंदर होता है तो वो हमारे पास ऐसे बॉडी के ऑर्गन होते हैं हमारे पास कि वो मेजर ऑर्गन को भी डैमेज कर देते हैं, तो इंसान की बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा था इसी वजह से, तो स्मोकिंग तो मेन काज है कैंसर का, जिसकी वजह से 1.3 मिलियन डेथ हो जाती है एक ईयर में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट टू स्मोक। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बड़ा WHO, हम मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से बोला था कि हमारे पास जो तंबाकू है ना इसकी एडवर्टाइजमेंट है ना इसको स्टॉप करें, मतलब इसका जो एड चलते हैं ना उनको स्टॉप कर दें, लोगों को मतलब ना बताएं कि ये स्मोकिंग है, इसके ये इसके एड भी नहीं चलें। तो आपने देखा होगा कि स्मोकिंग के एड नहीं चलते। ठीक है, टू प्रिवेंट यंग पीपल, तो इसका मकसद क्या है कि जब ऐड नहीं चलेंगे लोग नहीं देखेंगे, लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आपने ऐड चलाने हैं तो उसको प्रिवेंट करने के ऐड चलाएं कि तंबाकू से ये नुकसान होता है, लंग कैंसर होता है, चेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी मतलब बुराइयां करके बताएं, क्योंकि इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो आपने क्या बताना है हमारे पास, प्रिवेंट यंग पीपल फ्राम टेकिंग अप स्मोकिंग। तो आप ऐसे एड्स चलाएं, उसने हुकूमत से बोला था ऐसे ऐड चलाएं कि जिस ऐड में बताया गया हो को स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग के ये बैड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आई हो बस ठीक है, ये हमारा आखिरी था कि वर्ल्ड हेल्थ, मतलब हम इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। पहला तो इसका जो डायरेक्ट तरीका है ना वो ये है कि जो स्मोकिंग करता है ना, अगर उसने लंग कैंसर से बचना है, ठीक है, अगर एक बंदा है स्मोकिंग कर रहा है तो वो क्या है कि हमारे पास स्मोकिंग को छोड़ दे। जब वो स्मोकिंग को छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं उसका, अगर वो चाहता है इसके उसको ना हो तो उसको कोशिश करेगा तो उसको नहीं होगी। तो वो सबसे पहला ट्रीटमेंट वो यही है, ट्रीटमेंट तो नहीं मतलब प्रिवेंशन है कि वो करे स्मोकिंग को छोड़ दे। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने कैंसर का, लंग कैंसर के बारे में पढ़े हैं। तो लंग कैंसर के, कैंसर हमारे पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, वो उनकी जब डिवीजन ज़्यादा हो जाती है तो वो ट्यूमर बनाते हैं। जब ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर हमारे पास क्या करता है, अदर टिश्यू को डैमेज कर देता है। जब अदर टिश्यू को डैमेज करता है हम उसको सेकेंडरी कैंसर भी कहते हैं। और इसके मेजर कौन से काजेज हमने पढ़े थे लंग कैंसर को, मतलब कौन काज कर रहा था, हमारे पास केमिकल्स थे, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन थी, और केमिकल्स में हमारे पास स्मोकिंग सबसे मेजर काज था कैंसर का। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे पास उसमें 50 ऐसे नाउन, सिगरेट के अंदर ऐसे 50 नाउन केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करते हैं। फिर हमने एक्टिव स्मोकिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने पैसिव स्मोकिंग के बारे में पढ़ा। एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जो स्मोकर डायरेक्टली स्मोकिंग को इनहेल करता है, मतलब डायरेक्ट सिगरेट पीता है ना, वो एक्टिव होती है, वो इतनी डेंजरस नहीं होती, क्योंकि उसके वो जो उसके मुंह के अंदर वो डला हुआ होता है ना फिल्टर जून, उससे आधा जो स्मोकिंग के मतलब इफेक्ट्स हैं वो फिल्टर होके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पैसिव है, जो दूसरा बंदा उसके साथ बैठ के उसकी स्मोकिंग को इनहेल कर रहा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो धुआं जा रहा है उसके लंग्स तक पहुंच रहा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम निकोटिन के बारे में हमने पढ़ा कि निकोटिन मतलब तंबाकू के अंदर निकोटिन होता है और वो इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए यूज़ होता था। तो फिर निकोटिन हमारे, अगर इंसेक्टिसाइड को मारते तो हमारे बॉडी के कितने ऐसे ऑर्गन्स उनको डैमेज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास ये 1.3 मिलियन, मतलब ये MCQs में आ सकते हैं कि कितने परसेंट, मतलब कितने मिलियंस डेथ हुई हैं, 1.3, 1.5, 1.6, तो 1.3 एक अंदाजे के मुताबिक ना डेथ, ये बहुत पुरानी बुक है तो उस ज़्यादा आप तो ज़्यादा हो गई होंगी, तो इतनी डेथ हो जाती है। फिर हमने बताया कि इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, एक तो इसके ऐड ना चलाएं, और वो ऐड वो वाले चलाएं कि जिसमें लोगों को बताया जाए कि हमारे पास हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरा जो स्मोकिंग कर रहा है उसको बोलें कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, उसको कैंसर नहीं होगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लेक्चर होगा, वो होगा बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। अगर इस पूरी वीडियो में ना आपको अगर कोई भी ऐसा आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या मतलब पहला चैप्टर हमारा बायो का एंड होने वाला है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।